हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं बात करूंगा डीडी फ्री डिश रिसीवर के बारे में। आजकल मार्केट में डीडी फ्री डिश का जो रिसीवर है एचडी क्वालिटी में मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डीडी फ्री डिश का एचडी वाला रिसीवर ख़रीदा हुआ है, लेकिन उसे स्कैन करते उनसे नहीं बन रहा है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं तो आपके पास अगर फ्री डिश का एचडी वाला किसी भी कंपनी का कोई भी रिसीवर हो, आप उसे बहुत ईजीली स्कैन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे स्कैन करते नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके पास फ्री डिश का कोई भी रिसीवर होगा, आप उसे बहुत ईजीली ऑटो स्कैन कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे पास यह डीडी फ्री डिश का रिसीवर है जो कि एचडी क्वालिटी में है। आप देख सकते हैं मेरे पास यह दो रिसीवर हैं जो कि स्कैनिंग के लिए आए हुए हैं। जिनके पास यह रिसीवर लगा हुआ है उनसे ऑटो सर्च करते नहीं बन रहा था। तो अब दोस्तों मैं आपको स्कैन करने का तरीका बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके पास चाहे फ्री डिश का कोई भी रिसीवर होगा, आप बहुत ईजी उसे सर्च कर सकते हैं। जो डी डी फ्री डिश के नए चैनल हैं आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों सर्च कैसे करना है, चाहे आपके पास कोई भी सेटअप बॉक्स होगा, आपको उसका रिमोट लेना है। इसके बाद में रिमोट का जो मेनू वाला बटन होगा MENU मेनू, तो आपको दोस्तों इसे दबाना है। आपके रिसीवर का जो मेनू का इंटरफेस है अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों सभी का जो प्रोसेस है सेम है। आपको क्या करना है कि मेनू वाला बटन दबाकर आपको ढूंढना है कि इंस्टॉलेशन कहाँ लिखा हुआ है। आपको इंस्टॉलेशन में ही जाना होगा, तभी आप ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो इंस्टॉलेशन है सबसे ऊपर है, इंस्टॉलेशन चैनल सेटिंग इस प्रकार से। तो आपको दोस्तों चाहे आपके पास कोई भी रिसीवर हो फ्री डिश का एचडी वाला, आपको इंस्टॉलेशन में ही जाना है। आपको इंस्टॉलेशन वाला जो ऑप्शन है आपको ढूंढ लेना है। अब आपको इंस्टॉलेशन में जाना होगा और यहाँ जाने के बाद आपको इस प्रकार से एंटीना सेटिंग, सेटेलाइट लिस्ट, ट्रांसपोर्टर लिस्ट, इस प्रकार से आपको जो फीचर है देखने को मिलेगा, आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉलेशन में जाने के बाद आपको ये जो सेटेलाइट लिस्ट वाला ऑप्शन है आपको यहाँ जाना होगा। आपको इसके पहले किसी भी ऑप्शन पर नहीं जाना है। आपको सबसे पहले जाना है इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पर, इसके बाद आपको जाना है सेटेलाइट लिस्ट वाले ऑप्शन पर, चाहे आपका रिसीवर कोई भी हो। अब दोस्तों आपको यहाँ ओके करना है और इसके बाद आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नंबर से बहुत सारे सेटेलाइट के लिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो जो एक नंबर वाला सेटेलाइट होगा आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको दोस्तों ओके वाला बटन दबाना होगा और यहाँ आपको इस प्रकार से टिक लग जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो दोस्तों आपको यहाँ लिस्ट में ढूंढ लेना है, आपको NSS6 वाला जो सेटेलाइट का ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे ढूंढ लीजिए। और यहाँ दोस्तों आप आकर इस प्रकार से रिमोट का ओके बटन दबाएंगे, यहाँ आपका टिक मार्क लग जाएगा। आपको केवल इतना ही करना है, इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। आपको रिमोट का आपके पास चाहे कोई भी रिसीवर हो आपको सेम प्रोसेस करना है। अब दोस्तों आपको रिमोट का जो नीला वाला बटन होगा, यहाँ आप देख सकते हैं रिमोट में लाल हरा पीला नीला वाला बटन है, तो आपको अब स्कैन करने के लिए ये जो नीला वाला बटन है आपको दबाना होगा। आपको इस प्रकार से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके सेटअप बॉक्स में यहाँ फीचर में आपका अगर जो ब्लाइंड मोड है अगर वह प्रेजेंट है तो आपको उसे चेंज करके ब्लाइंड करना है। और आपको दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ जो चैनल टाइप लिखा हुआ है यहाँ आल है, अगर आप इसे आल पर कर देंगे तो जितने भी आपके फालतू वाले चैनल हैं स्क्रैम्बल मूड वाले वह भी आपके स्कैन हो जाएंगे। आप चाहते हैं केवल आप जो चैनल देखना चाहते हैं वह बस आपके स्कैन हो, तो आपको इसे
आल से आपको इसे चेंज करके केवल आपको इसे FTA कर देना है, और आपको जो आपका स्कैनिंग मोड होगा अगर प्रेजेंट होगा आपको ब्लाइंड करके, और आपको रिमोट का ओके बटन दबा देना है। अब दोस्तों आपका जो सेटअप बॉक्स है ऑटो स्कैन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमारा जो सेटअप बॉक्स है ऑटो स्कैन हो रहा है। तो आपको दोस्तों अब वेट करना होगा, इस प्रकार से आपके जो चैनल लिस्ट हैं आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों आपका ये जो पट्टी है आपके सेटअप बॉक्स के या तो यहाँ नीचे चलेगा या फिर आपका यह जैसे कि यहाँ ऊपर दिख रहा है यहाँ आपका एक पट्टी यहाँ चलेगा। आपको वेट करना है जब तक कि यह जो पट्टी है 100 तक नहीं चला जाता। तो मैं दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्कैनिंग है करीब 82% हो चुका है। आपको किसी प्रकार से वेट करना है जब तक कि यहाँ आपका 100% कंप्लीट ना हो जाए। अब दोस्तों जैसे ही आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ यस और नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने जो चैनल स्कैनिंग किया है आप दोस्तों अगर उसे सेव करना चाहते हैं तो आप यस में जाकर रिमोट का ओके बटन प्रेस कर दें, आपका जो चैनल है सेव हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप DTH के किसी भी रिसीवर को किसी भी HD सेटअप बॉक्स को ऑटो सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का जो जानकारी है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।